नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कोर्ट ने सरकार से समय सीमा और रोड मैप बताने को भी कहा है। चीन ने हाल ही में जारी अपने आधिकारिक नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी का लद्दाख पर यह दावा सही है कि चीन लद्दाख की पेंगोंग घाटी में घुस आया है। केंद्र सरकार में अगर हिम्मत है तो उसे चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि यह सारा किया कांग्रेस का है। विज ने कहा कि मामले में और भी लोग पकड़े गए हैं, उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शंस हैं। जिन्होंने तोड़फोड़ की है वह कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस विधायक मामन खान जहां भी गए वहां हिंसा हुई। मणिपुर विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की बैठक आज बुलाई गई। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद हंगामे के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल कांग्रेस विधायक मॉनसून सत्र को 5 दिनों तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है। सिक्किम में गंगटोक से भाजपा विधायक वाईटी लेप्चा ने दावा किया है कि अगर भगवा पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वह 500 वोट भी हासिल नहीं कर पाएगी। लेप्चा सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ बनाए गठबंधन की वकालत कर रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाले गठबंधन सहयोगी SKM से संतुष्ट नहीं है और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर विचार कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले और पूर्व विधायक इमरान मसूद द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने और कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ाने पर बसपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर इमरान मसूद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा राज्य सरकार के साथ सहयोग करेंगे लेकिन वे कुछ भी करें तो उसका समर्थन नहीं हो सकता और कहा कि एक दूसरे के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश न की जाए। प्रवर्तन निदेशालय हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट के मामले में प्रारंभिक जांच के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा है। एजेंसी के अनुसार टैक्स हेवन देशों में स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित एक दर्जन कंपनियों ने समूह के शेयरों की बिकवाली कर सबसे ज़्यादा लाभ कमाया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें केस में जमानत दे दी है। इसी के साथ इमरान के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। सलामी बल्लेबाज KL राहुल एशिया कप में भारत के पहले 2 मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। IPL में चोटिल होने के बाद से टीम से बाहर चल रहे KL राहुल के बारे में टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के हवाले से BCCI ने ये जानकारी दी है। भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान से होना है। इसके बाद सोमवार को भारतीय टीम नेपाल से भिड़ेगी।